हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। देखो यार, अभी रात के ऑलमोस्ट 3 बजने वाले और आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि ये शो आपको देखना है या नहीं। तो हम लोग बात करें द साइलेंट सी, जो कि कोरियन वेब सीरीज है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। टोटल सिर्फ 8 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 39 मिनट से लेकर 51 मिनट के बीच में ही है। उसका प्लॉट सिंपल सही है कि दुनिया में पानी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जितना पानी बचा है वो पीने लायक है नहीं, यानी कि पानी की कंडीशन पूरी तरह से खराब है। और ऐसे में कोरिया वाले चांद पर कुछ क्रू मेंबर्स को भेजते हैं। अब वो इसलिए भेजते हैं क्योंकि कोरिया वालों का एक स्टेशन है, यानी कि बैल है, लूनर रिसर्च स्टेशन। अब उस स्टेशन में कुछ हादसा हुआ जिस वजह से एक नया क्रू मेंबर वहां जाता है कुछ सैंपल कलेक्ट करने के लिए। अब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। देखो यार, कोरियन शोज की आज की तारीख में इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अलग तरह का डंका बजा हुआ है और हमारी जो एक्सपेक्टेशन वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई है। तो ऐसे में जब इस तरह के शोज आते हैं जिसका ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा एकदम एक्साइटमेंट लेवल इंसान का बढ़ा देता है, फिर जब हम लोग इस शो को देखने बैठते हैं एक्साइटमेंट लेवल हमारी पहले से हाई होती है। जब शो उस लेवल का नहीं होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि शो खराब है, लेकिन वो उतनी पीक तक नहीं पहुंच पाता हमारे एक्साइटमेंट की, तो वो हमको बुरा लगता है। और वही चीज इस पर्टिकुलर शो के साथ होती है। ये शो ना ही अच्छा है ना ही ये बुरा है, ये उन दोनों के बीच में आता है। तो इस वजह से ये शो मुझे इतना खास नहीं लगा। हालांकि शो में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले हैं जो अच्छे हैं, यूनिक है, लेकिन उस चीज़ को अच्छी तरह से बता नहीं पाए। स्टार्टिंग के 2 एपिसोड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, लेकिन उसके बाद जो एक इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बन तो जाता है, लेकिन बीच में ही आकर जब हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाती है तो इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद शो पूरी तरह से डेड हो जाता है। खैर, अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो शो की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। कोरियन इंडस्ट्री के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी हद तक उन लोगों ने मेहनत की है इसके CGI पे, और बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उसके लिए मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। BGM शो का अच्छा है और ओवरऑल इट्स एन एवरेज शो। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से किया है। प्रॉब्लम ये है कि शो को जिस तरह से बताना चाहिए था ये शो उस तरह से नहीं बताया गया है। पेरेंटल गाइडेंस पे इतना बोलूँगा, शो में अश्लील सीन्स कुछ नहीं है, अब थोड़े बहुत वॉयलेंस के सीन्स है बस, वो खून खराबे के सीन्स है, वो भी इस लेवल के नहीं है, मतलब ऐसे चाकू वीकू मारने वाले नहीं, बस थोड़े बहुत फायरिंग वीरिंग के सीन है। तो अगर आप लोग चाहो तो देख लेना। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि यार, ये पर्टिकुलर शो को आप लोग स्किप भी कर दोगे तो कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है नहीं। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मैं शो को रेटिंग दूंगा 6/10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।